हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ थर्ड एडिशनल टॉपिक विच इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मीन्स कि यू हैव अ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल विच हेल्पफुल फॉर यू टू गेट जॉब फ्रॉम एनीवेयर। Employability skill are transferable skills that are useful to nearly every job. They involve the development of expertise, knowledge base or mindset that makes you more attractive to employers. Employability skills are also often referred to as employment skill, soft skill, work readiness skill or foundation skills. They often improve your performance, minimize errors and promotes collaboration with your co-worker, enabling you to perform your role more efficiently. Employability skill अगर आपके पास है तो वो आपके काम में गलतियाँ कम निकाल करने देगा और आप अपने co-workeron से ज़्यादा अच्छे से performance कर पाओगे अगर उनमें वो skill नहीं है जो आप में है। Employability skills may not be listed to job description. कोई जॉब में ये नहीं डिस्क्राइब होता है कि आपको क्या क्या स्किल होनी चाहिए, लेकिन if you have additional skill then it will be good for your job. But they are important skill, they can make you more attractive to prospective employer. अगर आप में कुछ additional skill है तो वो employer के लिए ज़्यादा अच्छा और वो ज़्यादा interested होगा आपको लेने में। द मेन बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस ट्रेट इज दैट इट कैन हेल्प यू स्टैंड आउट अमंग अदर जॉब कैंडिडेट हु आर ट्राइंग फॉर सेम पोजीशन, और आपकी वैल्यू उन लोगों के बीच अधिक होगी जिनके पास वो स्किल नहीं है। व्हाइल अदर कैंडिडेट मे हैव द सेम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यू मे हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग हायर्ड इफ यू हैव अ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दैट आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द रोल। आपके पास ज़्यादा स्किल है तो आपको पहले चांस मिलेगा। सर्टेन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर मोर साउट आफ्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्री। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू और राइट योर रिज्यूम फॉर पर्टिकुलर पोजिशन बाई रिसर्चिंग विच इज एम्प्लॉयमेंट स्किल आर असेंशियल फॉर योर इंडस्ट्री। जहाँ आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए अगर कोई स्किल की ज़रूरत है और आप में है तो उसको रिज्यूम में मैंशन करिए, जिससे आपका इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन जल्दी हो। एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अब क्या क्या एग्जाम्पल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वो देखिए। आप में पढ़ने बोलने की अच्छी क्षमता होना चाहिए, आप में टीम वर्क की कैपेसिटी होनी चाहिए, अपने टीम के साथ कोऑपरेट करके काम करिए, आप में रिलायबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयर के प्रति, अगर कोई प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम है उसका ऑर्गेनाइज करके उसके प्लानिंग करके उसका सलूशन निकालने की क्षमता होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। हाँ हाँ मैं कर लूँगा, ये नहीं कि पीछे भागे कि अरे मैं क्यों करूँ, वो एक्स्ट्रा पैसा देगा क्या। सेल्फ मैनेजमेंट, अपना मैनेजमेंट करे आदमी, कि टाइम का मैनेजमेंट कर ले, वर्किंग का मैनेजमेंट कर ले कि कितने समय में कितना काम कर लेंगे। लीडरशिप होनी चाहिए, अगर आप आगे इनिशिएटिव लेके काम करते हो तो आपकी लीडरशिप दिखाई देगी तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, और जो जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके प्रति लर्निंग ज़्यादा करेंगे तो सोल्यूशन भी मिलेगा और स्किल भी मिलेगी कि कैसे उस काम को टैकल किया जाए। प्लस अगर आप ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंटली उसको काम कर पाइएगा। इसी सब चीज़ों को अब एक्सप्लेन किया है। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अगर आप अपनी बात को किसी को समझा ही नहीं पाते हैं और कायदे से बोल ही नहीं पाते हैं उसके बारे में तो आप उसके बारे में करिएगा क्या। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व फाइव एलिमेंट्स, द सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम एंड फीडबैक। वेन दीज एलिमेंट्स वर्क टूगेदर यू कैन डिलीवर अंडरस्टैंडिंग मैसेज क्लियरली एंड एफिशियंटली, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी
misunderstanding and others excellent communication skill make you more employable because they can be enhanced company productivity and efficiency help prevent the waste valuable time. इसको इस तरह से समझे कि suppose you have to sell a car. If you don't know about the car and you won't be able to explain it very well कि what are the facility in this car, why you must purchase it, then you can't sell it. तो आपके में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो यू कैन कन्विंस द पर्सन टू टेक दैट कार. बीइंग अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन्वॉल्व कन्वेइंग योर थॉट्स एंड आइडिया क्लियरली टू अचीव सर्टेन आउटकम. अब आप में अच्छा से कन्वे करने की कैपेबिलिटी है तो आप अच्छे से काम करोगे और ज़्यादा सेलिंग कर पाओगे तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनने की आप में हुनर होगा. एज वेल एज लिसनिंग टू योर कोवर्कर इंस्ट्रक्शन आइडिया एंड इंटेंशन डिपेंडिंग ऑन द जॉब यू वॉन्ट यू मे हैव टू बी कम्पिटेंट इन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज वर्बल नॉन वर्बल रिटन एंड विजुअल. फॉर इंस्टेंस एंड कस्टमर फेसिंग एम्प्लॉय नीड टू हैव एक्सलेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल. वर्बल मीन्स जो आप बोलते हो, नॉन वर्बल मीन्स जो रिटर्न फॉर्म में होगा या एक्शन से होगा या फेस के एक्सप्रेशन से होगा. द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल टू कम्युनिकेट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल. सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प यू डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड कम्युनिकेटिंग ऑन सोशल मीडिया, ज्वाइनिंग अ लोकल क्लब. आप में कम्युनिकेशन कैसे आएगा, जब व्हेन यू गो इनटू द सोसाइटी एंड यू मूव बिटवीन देम देन यू कैन एबल टू एक्सप्लेन योर थिंग प्रॉपरली एंड कम्युनिकेट इट बिटवीन द पीपल. तो जब आप क्लब्स जाओगे, सोशल मीडिया पे जाओगे, प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, तो धीरे धीरे आप में कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी. अभी और डिटेल में अगर आप चाहते हो, अगर और डिटेल में चाहते हो तो इसमें हमने लिंक दे रखा है जहाँ से इस मैटर को लिया है आप लोग के लिए, क्योंकि आई हैव नो बुक, सो आई हैव टेकन इट फ्रॉम इंटरनेट एंड आप इस से एग्जाम्पल देख सकते हैं. टीम वर्क. गुड टीम वर्क स्किल रिफर टू द एबिलिटी टू वर्क हारमोनियसली विथ योर कोलीग टू अचीव अ शेयर्ड गोल. टीम वर्क स्किल विल सच अ कोलैबोरेशन कैन इंक्रीज योर हायरिंग चांसेस बिकॉज यू मे बी एबल टू हेल्प अ कंपनी रीच इट्स गोल मोर इफेक्टिवली. दीज स्किल्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मोर पॉजिटिव वर्क. टू बिकम अ ग्रेट टीम प्लेयर you need to comfortable working with the people, take responsibility for your share of work and contribute to team goal. अगर आप में अच्छा behavior है और लोगों से मिल के काम करने की capacity है तो you will be become a good team worker or you can create a positive environment. हर किसी को मना लोगे और काम करवा लोगे. There are many things you can go to boost your teamwork skill. Volunteering to help co-worker with project. अपने आप तुम co-worker को help करोगे project में कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो. Working with others in local organization. और local organization के साथ काम करोगे. Joining a sport team. और इस तरह से स्पॉटिव होकर काम करोगे लोगों से मिलके तो टीम वर्क अच्छा होगा और यू कैन डू द वर्क इजीली. रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मेक्स यू मोर एम्प्लॉयबल बिकॉज इट प्रमोट ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉय. अगर आप आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा.
You are reliable employee if you can consistently complete your task on time. अगर समय से हर समय आप काम करिएगा और अगर टाइम सब काम करिएगा और गलती कम करिएगा. You must also be able to respond to inquiry and email promptly. Only make a promises you can keep. और जो प्रॉमिस करे उसको रखे तब आपकी रिलायबिलिटी आदमी मानेगा और जानेगा कि नहीं नहीं ये आदमी तो काम कर ही देगा. यू कैन बिकम अ मोर रिलायबल बाय कंसिस्टेंटली मीटिंग और एक्सीडिंग योर एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ वर्क परफॉर्मेंस. जो जिस लेवल तक आप काम करना चाहते हैं उस लेवल तक काम कर सकते हैं. क्रिएटिंग शेड्यूल फॉर योर डेली टास्क एंड मेंटेनिंग देम. अपने काम के लिए टास्क के लिए समय, डेली टास्क के लिए समय निश्चित करें. एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक एंड मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू अवॉइड देम इन फ्यूचर. कोई गलती हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए जिससे और सोचना चाहिए कि अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग की इश्यूज एंड देन इम्प्लिकेशंस, हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. वी नीड टू नो हाउ टू डिवाइड देम इनटू स्मॉलर पार्ट एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मोर मैनेजेबल. कोई प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको छोटी छोटी पार्ट में अगर हम डिवाइड करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैन सेट योर अपार्ट फ्रॉम अदर जॉब कैंडिडेट बिकॉज दे कैन हेल्प योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर मेंटेन एन एफिशिएंट ऑपरेशनल प्रोसेस एंड अचीव ऑब्जेक्टिव मोर इफेक्टिवली. If you are a good problem solver, you can play an important role in troubleshooting issues, which can enable your team to overcome obstacles and solve complex problems. Depending on the position you are applying for, you may need a certain set of sub-skills to solve a problem efficiently, including research analysis and decision making. Problem solving के लिए क्या-क्या जरूरत है? रिसर्च करें, उसको सम प्रॉब्लम को इफेक्टिवली समझे, उसको एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले. यू कैन बिकम अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बाय अंडरटेकिंग रिसर्च असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, पार्टिसिपेटिंग इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, रेगुलरली डेवलपिंग योर स्किल बाय सॉल्व पजल्स एंड प्लेइंग गेम्स. अपने लोगों के साथ बैठ करके उसको सजेस्ट करे कि किस तरह से करना चाहिए. अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ढेर सारे मंत्रियों के साथ डिस्कशन किया और फिर सलूशन निकाल के लॉकडाउन लगा दिया, सबको घर में बैठा दिया कोरोना वायरस से बचाने के लिए. तो ही हैज टेकन अ गुड डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम काफी हद तक वो सफल हुए और अभी भी उसी में लगे हुए. ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग. बीइंग एबल टू ऑर्गेनाइज एंड प्लान इफेक्टिवली इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प यू एंड योर एम्प्लॉय सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी. अगर ऑर्गेनाइज जैसे हम किसी काम को करते हैं तो वो हमारा समय भी बचाएगा और हमारे एफर्ट्स और पैसे को भी बचाएगा. इट एंश्योर दैट असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट आर कम्प्लीटेड ऑन अ टाइम एंड प्रिवेंट कन्फ्यूजन एंड एरर that can be a costly to the company. अगर जो असाइनमेंट तुम्हें मिला वो टाइम से तुम नहीं खत्म करते हो तो कंफ्यूजन होगा, गलती होगी और समय पे ना पूरा होने से पेनाल्टी पड़ सकती है और कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है ना ही बिके. टू बी अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड प्लानर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई टास्क, prioritize them, create schedule for them and complete them on time. इसको task को समझे, उसको प्राथमिकता दे और एक schedule तय करे कि इसके बीच में उसका completion जरूरी है. If you are in leadership position, you need to develop a systematic process for achieving goals and delegating task appropriately. अगर आप leader हैं तो आपको ऐसा decision लेना पड़ेगा कि उस काम टास्क को अप्रोप्रिएटली कर सके. यू कैन डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्लानिंग स्किल
Develop a timetable for your daily activity. Organize an event. Write down your task and activity in planner. ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा, टाइम टेबल बनाए कि डेली एक्टिविटी में क्या करना है, इवेंट्स करे उसमें चीजों को डिस्कस करे, और प्लानिंग वे से उसको कर डाले। थर्ड है इनिशिएटिव। टेकिंग इनिशिएटिव मींस रिकॉग्नाइजिंग अ प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट, प्रिपेयरिंग फॉर अ पोटेंशियल क्राइसिस बाय टेकिंग preemptive action, taking advantage of opportunities and having a positive attitude. It shows that you can think of yourself and take the necessary action without being instructed to do so. As a person with initiative, you have a strong drive to succeed and desire to keep improving yourself through continuous learning, which makes you valuable to any organization. अगर आप बिना एम्प्लॉय के कहे ही इनिशिएटिव लेते हैं और किसी का टास्क को करने को रेडी हो जाते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो सब एम्प्लॉय समझता है और आपको फिर वैल्यू देता है। एम्प्लॉयर कंसिडर इनिशिएटिव वन ऑफ द की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड वैल्यू एम्प्लॉयज हु पजेसेस सेल्फ मोटिवेशन टू कम्प्लीट टास्क, क्योंकि वो आपका सेल्फ मोटिवेशन है कि आप उस काम को विदाउट एम्प्लॉय के कहे खुद कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड करेज ऑफ सच एम्प्लॉय कैन पुश ऑर्गेनाइजेशन टू इनोवेट एंड अचीव अ कंपटीशन एज। इस तरह के एम्प्लॉय क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाते हैं और कंपटेटिव लेवल पर काम करते हैं। यू कैन इम्प्रूव योर एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव बाय approaching companies and other organizations to inquire about job opportunity. आपकी इस quality की वजह से और लोग भी आपको offer देंगे कि आप काम करिए। proposing change to policies or activity of group you belong to. और जब initiative लेंगे तो आप policies और activities को भी अपने group में change कर सकते हैं अपने according. setting up a local club or fundraiser. क्लब्स बनाइए जिसमें अपने अंडर में लोगों को सजेशन दीजिए कि हाउ टू वर्क। सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म जॉब ड्यूटीज सेटिस्फैक्टरी विद लिटिल और नो सुपरविजन। और हायर लेवल एम्प्लॉय इट आल्सो मीन डेलीगेटिंग टास्क टू इंश्योर यू कंप्लीट देम टू टाइम। एडिशनली सेल्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉय कैन motivate themselves to deliver solid work performance consistency. जब एक बहुत बड़े लेवल पे आदमी पहुंच जाता है तो ये नहीं सोचता कि अभी कोई मेरे को ऑर्डर करेगा तब मैं काम करूंगा, उसके में खुद ही एटीट्यूड आ जाता है कि हायर लेवल का एम्प्लॉय अपने काम को समय से पूरा करता है और अपने आप सारा मैनेजमेंट करता है। If you have a good self management skill, you can help your supervisor or manager save time an effort simply because you need minimal guidance and assistance for them. अब उसको कम guidance और assistance चाहिए होता है। Also being a self-motivated person means you may be less likely to have a productivity issue. These ability can make you an appealing candidate to most employers. बहुत ज़्यादा आपको self-motivate करने की ज़रूरत नहीं थी काम करने के लिए, और ये एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है और वो इससे वो एम्प्लॉयर के लिए बहुत अपीलिंग होता है। फ्यूचर में वो आपको प्रेफरेंस देगा काम करने में। यू कैन डेवलप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बाय आस्किंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क। आप अगर एम्प्लॉय से कहिएगा हाँ मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा तो आप में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आएगी। क्रिएटिंग शेड्यूल फॉर सर्टन एक्टिविटीज एंड मेंटेनिंग देम, और उसके लिए कुछ समय आपको निर्धारित करना होगा कुछ एक्टिविटीज के लिए और उसको मेंटेन करना होगा। पार्टिसिपेटिंग इन वॉलंटियर वर्क दैट अलाउ यू टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अपने आप ही काम करिएगा और अकेले बिना किसी के हेल्प के। लीडरशिप। Employer look for good leader because they can benefit organization in many ways. As a leader, you play an important role in ensuring that your team shares the same vision or company
and work in unison with other team and department to achieve. अगर आप में leadership की capability है तो वो employees के लिए बहुत employer के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वो आपके company को आगे बढ़ाने में helpful होती है उनकी company को, और उनका जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने में भी सहायता मिलती है. एडिशनली यू कैन डेवलप स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, कीप योर टीम कॉन्स्टेंटली मोटिवेट एंड मॉनिटर वर्क परफॉर्मेंस टू प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट फॉर द कंपनी. उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, प्राप्त कर लें, और अपनी ग्रुप को मोटिवेट कर सके और मॉनिटर कर सके, जिससे कि परफॉर्मेंस अच्छा और कंपनी का रिजल्ट अच्छा हो. लीडरशिप स्किल्स आर इम्पोर्टेंट एट एवरी लेवल. इफ यू आर सीकिंग अ मैनेजरियल पोजीशन, यू नीड टू बी अ गुड लीडर टू मोटिवेट योर टीम मेंबर. यू कैन ऑल्सो बेनिफिट फॉर हैविंग सम लीडरशिप एबिलिटी इन एंट्री लेवल पोजीशन, बिकॉज इट मे बी हेल्प यू टू स्टैंड आउट द क्लाइंट ब्रांड फास्टर. You can show leadership by directing and motivating your co-worker, setting objective and goal for your team, improving work practice and coaching and your colleagues. Leadership हर level के लिए important होती है, चाहे वो class का monitor हो, चाहे वो company का employee हो, चाहे वो नेता हो. अगर leadership है आप में तो आप दूसरों को भी मोटिवेट करके काम करा सकते हैं. और जिससे आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा, इफ यू वुड एबल टू अचीव अ टारगेट बाय यूजिंग योर लीडरशिप कैपेबिलिटी. यू कैन शो लीडरशिप बाय डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग को वर्कर. लीडरशिप है तो आप उनको वर्कर को मोटिवेट कर लेंगे और काम करवा लेंगे. You can learn to become a better leader by attending a leadership course, starting a local group, reading about the habit of successful leader, particularly those in your industry. अगर आप उसका course करते हैं local group पे, मेरे ख्याल से तो experience जिसके पास होगा उसको कोई course करने की जरूरत नहीं होगी, और वो leadership अगर उसमें skill है तो वो लोगों को कन्विंस करके काम करा लेगा. लर्निंग, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग स्किल मींस अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट एंड मेथड क्विकली, टेकिंग ऑन न्यू टास्क, अडैप्टिंग टू चेंज एंड हैविंग टेंडेंसी टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड स्किल कंटिन्यूली. कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो और उसके आगे जो लेटेस्ट अपडेट है उसको जानते हुए अगर आप उस स्किल को और आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है. एम्प्लॉई हु हैव अ गुड लर्निंग स्किल मे हेल्प एम्प्लॉई फिल चैलेंजिंग रोल्स मोर क्विकली एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग. अगर उसमें लर्निंग एबिलिटी है तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी. गुड लर्नर्स आर स्पेशली डिजायरेबल टू कंपनीज दैट आर the forefront of innovation, because they can help transition to new methods and technologies more smoothly. क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी को जानता रहेगा और ईजिली किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेगा. तो जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसके लिए ऑनलाइन कैसे ट्रेनिंग दे, उसके लिए कैसे वीडियो बनाए, उसके लिए कैसे काम करें, ये सीखना जरूरी हो गया. यू कैन इंक्रीज योर एबिलिटी टू लर्न बाय टेकिंग अ कोर्स टू इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स सच एज स्पीड रीडिंग, मेमोरी बूस्टिंग, एक्सेलरेटेड लर्निंग कोर्स, रिसर्च स्किल एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू योर जॉब सच एज ऑर्गेनाइजिंग, टीम वर्क एंड प्रेजेंटेशन स्किल, टीचिंग योर सेल्फ अ न्यू स्किल और हॉबी. ये आदमी में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नई नई चीज़ों को सीखता रहे, जिससे कि अपने को एनवायरनमेंट में फिक्स कर सके या अपडेट कर सके और कोप अप कर सके उस प्रॉब्लम को. टेक्नोलॉजी, कंपनी सर्च फॉर कैंडिडेट विद टेक्निकल स्किल टू हेल्प देम यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टे अहेड ऑफ द
कॉम्पिटिटर्स। अगर टेक्निकल एबिलिटी है आप में तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से डील कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर जॉब द टेक्नोलॉजी स्किल यू नीड मे वेरी जेनरेटली फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग एंड सेंडिंग ईमेल टू वीडियो एडिटिंग एंड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। If you can grasp technology related concept and then how to use new technologies quickly, you may be more attractive to employers. अगर ये सब capacity है आप में तो आप email भेज लेते हो, receive कर लेते हो, typing कर लेते हो या नई languages जानते हो जिस पे काम करके तुम बाहर के लोगों की बातों को समझ सको, तो वो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयर के लिए बहुत अच्छी रहती। टेक्नोलॉजी स्किल आर रिक्वायर्ड टू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। सम ऑफ द वे टू डेवलप इम्प्रूव टेक्नोलॉजी स्किल इंक्लूड एनरोलिंग टू टेक्नोलॉजी कोर्स, ट्राइंग आउट न्यू एप्स एंड टेक्नोलॉजी इन योर डेली लाइफ, स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन योर इंडस्ट्री। जैसे आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो उसमें बहुत सी नई चीजें होती हैं जो हर कोई नहीं जानता है, बट अगर आप उस पर थोड़ा से लग कर काम करो तो सब चीज़ आ जाएगी। अगर और चाहते हो कि पढ़ो तो यहाँ पे कैसे रिज्यूम बनाना बताएगा, और व्यू मोर पे क्लिक करोगे कंट्रोल के साथ तो नया जगह इंटरनेट पे भेजता रहेगा वेयर यू कैन रीड मोर। बट आई थिंक दिस इज अ सफिशिएंट फॉर योर पोस्ट। So student, please download this video and make a note. And again, I am today giving you something through which you can go to the news channel and get thing. And please subscribe my channel to get more videos for your studies and make notes and project, which I mention in each and every video. Thank you.